कृष्ण को वृंदावन क्यों अच्छा लगता है, उसका रीजन वो बताते हैं कि जब देवकी मैया और वसुदेव जी, वो भी क्या थे, वात्सल्य भाव में थे, लेकिन वात्सल्य से दास्य में खिसकने में उनको देर नहीं लगी। वैसे तो वो वात्सल्य भाव में थे, लेकिन जब उन्होंने कंस का वध होते हुए देखा, कृष्ण उनका बेटा वध कर रहा था, तो वो क्या बोले, बोले ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता, ये तो स्वयं भगवान है, और यूं जमीन पर रख के हाथ जोड़ दिए। जो जो उनको इच्छा थी अब स्तनपान कराने की, उनको खिलाने की, वही इच्छा किस बदल गई, हाथ जोड़ लिया उन्होंने कि ये भगवान है साक्षात। तो वैसे ही कृष्ण ने कई बार प्रूफ किया वृंदावन में भी कि मैं भगवान हूँ, काला के ऊपर नाचे अगासुर बकासुर शक्तासुर, हर किसी का वध किया असुर का। लेकिन यशोदा मैया ये मानने को तैयार नहीं थी कि कृष्ण भगवान है। ज्ञान था, ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं था, लेकिन मानने को तैयार नहीं थे। तो इसलिए क्या है, कृष्ण को वृंदावन सबसे प्रिय लगा। तब राम जी की दो इच्छा जाग गई, कौन कौन सी, एक इच्छा तो ये कि सब दास्य भाव में प्रेम करते, हाँ सही है कि नहीं, और दूसरी इच्छा क्या है, दूसरी इच्छा ये कि मैं हमेशा मर्यादा में बंधा रहना पड़ता है मुझे, मैं अपने भक्त का इच्छा पूरा नहीं कर पाता। हाँ, इतने सारे जो है साधु आए मेरे पास और बोले कि हमें आपका आलिंगन करना है, तो हम उनका आलिंगन नहीं कर पाए, बोले कि हमने क्या करा है, एक पत्नी व्रता स्त्री जो है धारण किया, तो उनका आलिंगन नहीं कर पाए, शुभ नख आई और बेचारी नाक कटवा के चली गई। तो उनका भी क्या है, कुछ उद्धार मैं कर नहीं पाया, तो किसी का भी उद्धार में ढंग से कर नहीं पाया, तो क्या है कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम, मैं अपना लीला नहीं कर पाया ढंग से, मर्यादा में बंध कर मुझे क्या है सब काम करना पड़ रहा है। तो ये दो इच्छा जाग गई, तो दो इच्छा के लिए उन्होंने फिर बोले कि फिर एक नई मूवी बनाएंगे, और वो मूवी कौन सी फिर आई, द्वापर युग में रिलीज हुई, क्या नाम था उनका, कृष्ण। तो वो कृष्ण और वृंदावन, वृंदावन पास्ट टाइम्स करके मूवी थी कृष्ण की, तो वो बहुत अच्छी मूवी, सुपर टूपर हिट गई, वो भी बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा। 16,108 रानियां थी, कोई मर्यादा कुछ भी नहीं, वात्सल्य माधुर्य साख्य दास्य शांत्य सब रस मिले हुए उसमें, जो रस कृष्ण को चाहिए वो सब है। बलराम जी का अगर आप देखेंगे, जो नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम जी है, तो उसमें सारे रस मिले हुए थे उनमें, वो दास्य में भी कृष्ण का सेवा करते थे, उनके पैर दबाते थे, साख्य में उनके साथ खेलते भी थे, वात्सल्य में उनका उनको रक्षा उनका चिंता भी करते थे। जब यशोदा मैया उनको बांध दिए उखल से, तो बलराम जी बोले थे उनको कि भैया छोड़ दो उनको, क्यों बांध के रखे, तो वात्सल्य भाव भी बलराम जी में था। तो कृष्ण बहुत अच्छा मूवी बनाए, खुद कृष्ण स्वयं कृष्ण भगवान अवतार लिए और बहुत अच्छा मूवी बनाए, वो भी सुपर डुपर हिट गया। लेकिन उसमें फिर कृष्ण की तीन इच्छाएं जाग गई, कौन कौन सी कोई बता सकता है, हाँ बताइए, राधा रानी का भाव, हाँ क्या इच्छा जाग गई बताइए, राधा जी का भाव। कृष्ण सोचे कि राधा रानी हमेशा मेरा सेवा करती रहती है, लेकिन इनको ऐसा क्या मजा आता है पता नहीं, वो मजा मेरे को भी लेना है, ऐसा क्या मजा आता है। हाँ आप मंदिर में सेवा करते हैं तो आनंद आता है कि नहीं, आनंद मिलता है, तो ऐसा क्या आनंद मिलता है वो भगवान को भी नहीं पता। तो भगवान ये इच्छा की जानने की कि ऐसा क्या आनंद मिलता है, वो आनंद मुझे जानना है। और दूसरी इच्छा, हाँ दूसरी इच्छा, दूसरी इच्छा कौन सी, हाँ भक्ति की, नहीं नहीं दूसरी इच्छा कौन सी बताइए, चैतन्य महाप्रभु की तीन इच्छा जागृत हो गई, दूसरी कौन सी, प्रभु जी के लेक्चर कौन कौन सुनते हैं सुबह डेली, हाँ डेली सुनते हैं, बाकी किसी को जरूरत नहीं है, सब शुद्ध भक्त हैं। तो प्रभु जी बताते हैं, कई बार बताए हैं, हाँ वो तो एक्सटर्नल, ये सब एक्सटर्नल रीजन था, भक्ति सिखाने के लिए, कीर्तन से लोगों का उद्धार करने के लिए, ये सब एक्सटर्नल रीजन था, इंटरनल जो गुह्य कारण, चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने की गुह्य कारण और बाह्य कारण दोनों बताया चैतन्य चरितामृत में। तो गुह्य कारण कौन कौन से थे, एक तो राधा जी का क्या उनको मजा आता है सेवा करने के लिए, वो जानने के लिए, दूसरा अपना रूप माधुर्य, कृष्ण जब अपना शक्ल कहीं देखते थे तो खुद चकित हो जाते थे, बोले कौन है ये इतना सुंदर पुरुष, सही में इतना सुंदर उनका
चेहरा था, रूप माधुर्य। तो ये जानने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, जो उनके रूप का आनंद ले पा रहा है उसकी जगह पे जाना पड़ेगा। तो ये दूसरी इच्छा थी। और तीसरी, तीसरी कौन सी इच्छा थी बताइए? हाँ, कौन सी इच्छा थी तीसरी बताइए? आता है किसी को, याद है? हाँ, नहीं याद। हाँ, वो भाई है, मतलब एक्सटर्नल रीजन था उसका, भक्त बनने का, वो मतलब उसी में ही आ गया। सेवा सेवा करेंगे तो भक्त बन ही जाएंगे अल्टीमेटली। और तीसरा रीजन क्या था? चलिए पता कर कर आइएगा। दो मैंने बता दिए, तीसरा आप पता कर कर आइएगा, करेंगे। अभी लेक्चर जब खत्म होगा तो मैं आपसे पूछूंगा तीसरा रीजन क्या था, या फिर जब प्रसाद देंगे तब पूछूंगा, तब तक पता लगा देंगे। हाँ, गूगल पे नहीं मिलेगा ये, चैतन्य चरितामृत में मिलेगा। तो तीसरा रीजन आप बताइएगा मुझे। तो ये तीन कारणों के कारण क्या बोला कृष्ण, बोले कि मुझे एक और नया रूप लेना है। तो राधा रानी के पास क्या है? बोले आपको क्या ऐसा आनंद आता है मेरा सेवा करने में, मेरा रूप देखने में आपको क्या ऐसा आनंद आता है? तो राधा रानी बोले वो जानने के लिए तो आपको क्या, मेरा ही शरीर, मेरा ही कांति, मेरा ही शरीर लेना पड़ेगा। बोले तुम्हारे शरीर की क्या जरूरत है, मैं खुद ही महसूस कर लूंगा। तो बोले अभी तक महसूस कर रहे होते तो क्यों आते मेरे पास? तो बोले उसके लिए तो आपको मेरा रूप ही लेना पड़ेगा। तो बोले रूप तो ठीक है, आपका रूप ले लूंगा, लेकिन आपका शरीर लेने का क्या जरूरत है? तो बोले कि जब आपको हम देखते हैं, जब आपकी हम सेवा करते हैं, जब आपसे हम प्रेम करते हैं, तो इतना हमें आनंद आता है कि हम तुरंत मूर्छा मूर्छित में चले जाते, बेहोशी की हालत में चले जाते, और फिर वापस बेहोशी की हालत में जाते 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 हम अपने आप को संभालते हैं और फिर आपका सेवा करते हैं। जो मंजरियां हैं, जो एकदम निकटतम पार्षद है भगवान की, वो क्या करती है, गोपियों से भी निकटतम, गोपियों को भी अलाउड नहीं है अंदर। जब राधा कृष्ण रासलीला करके एक रूम में जाते हैं तो उनके बाल सजाना, उनको दूध देना, उनका मेकअप करना अच्छे से, तो वो किसकी पावर है? गोपियों को भी अलाउड नहीं है उस पर्सनल कमरे में जाने का। लेकिन मंजरियां जो राधा रानी से छोटी है, लगभग 8-9-10 साल की लड़कियां मंजरियों के रूप में रहती है, उनको अलाउड है। तो वो जो मंजरियां हैं वो क्या है, भगवान की निकटतम पार्षद है। तो वो क्या करती हैं कि जब सबसे डिफिकल्ट टास्क देखेंगे आप उनका है, कृष्ण और राधा रानी साक्षात सामने खड़े हैं, उनका साक्षात पर्सनल सेवा कर रही है। इतनी सुंदर राधा रानी, इतने सुंदर कृष्ण, देखते से ऐसा लगता है कि बस अभी मूर्छित हो गए, अभी बेहोश होने ही वाले, और अपने बेहोशी की हालत को संभालते हुए क्या करते हैं वो, फिर वापस सेवा करने लग जाते हैं। हमारा में इतना भाव अभी समझ में नहीं आएगा आपको, ये क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, लेकिन ये थोड़ा डीप लेवल का बात है। तो भगवान का चेहरा है ही इतना सुंदर कि देख के वो बेहोश होने लगते, लेकिन बेहोश होते होते अपने आप को संभाल के फिर सेवा करने लगते। तो राधा रानी बोले कि अगर आप अपने शरीर में रहेंगे तो पक्का बेहोश हो ही जाएंगे, तो इसलिए आपको क्या चाहिए, मेरा रूप चाहिए, मेरा शरीर चाहिए, जिससे आप अपने आप को संभाल पाए। तो फिर राधा रानी बोला कि लो मेरा रूप लो, मेरा शरीर लो, मेरी आत्मा जो है वो भी आप लो। तो बोले फिर मैं कहां पे रहूंगा? तो बोले आप सिर्फ चखने वाले, जो उस भाव को चखने वाले वो आप हो गए, बाकी सब मेरा होगा। तो शरीर किसका है, कृष्ण का, लेकिन अंदर आत्मा किसकी है, राधा रानी की। तो कौन हुआ, राधा रानी की कृष्ण, राधा रानी। किसी में अगर भूत घुस गया तो वो व्यक्ति भले ही कोई और है, लेकिन वो क्या कहलाएगा, वो भूत। तो वैसे ही कृष्ण में जब राधा रानी का भूत घुस गया तो वो क्या हो गए, श्री चैतन्य महाप्रभु। और वही श्री चैतन्य महाप्रभु अब अकेले तो आते नहीं, कृष्ण आए तो किसके साथ, बलराम जी भी आए, राधा रानी भी आई, उनकी सखियां आई, बलराम जी के साथ उनके फ्रेंड्स भी आए। तो वैसे ही राम जी के समय में भी क्या आया, सब कुछ आया, सीता महारानी, सीता ठाकुरानी भी आई, और उसके अलावा लक्ष्मण जी आए, भरत आए, सब कोई आया। और वैसे ही नरसिंह देव जब आए तो उनके साथ भी कौन आया, जय विजय, उनके आसपास खड़े थे, लक्ष्मी जी आई, सब कोई आया। तो भगवान अकेले नहीं आते। तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु भी किसके साथ आए, हाँ, नित्यानंद प्रभु के साथ। श्री चैतन्य महाप्रभु मतलब कृष्ण, और बलराम मतलब नित्यानंद। और वैसे ही अगर आप बोलेंगे कि भैया चैतन्य महाप्रभु तो राधा रानी है,
तो फिर बलराम जी का उनके साथ क्या काम है? तो अगर चैतन्य महाप्रभु राधा रानी है तो नित्यानंद प्रभु क्या है? मंजरी, मंजरी स्वरूप में है उनके साथ उनका सेवा करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु किसके साथ आए? पंच तत्वों के साथ आए। वो जो पंच तत्व आपको दिख रहे हैं एकदम आखिरी में फोटो, जो जो जिसको पीली धोती पहनी, वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण। फिर जिनको ब्लू कलर की धोती पहनी वो कौन है? नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम जी। और जिनको रेड कलर का धोती पहना है वो कौन है? हाँ, गदाधर पंडित। वो कौन है? राधा रानी। जैसे कृष्ण अपने शरीर है तो कृष्ण, लेकिन राधा रानी का पूरा स्वरूप है, लेकिन वैसे ही राधा रानी भी आई एक अलग से गदाधर पंडित के रूप में। और वो जो दाढ़ी वाले हैं वो कौन है? हाँ, अद्वैत आचार्य। वो किसके रूप है? महाविष्णु और सदाशिव के। और जो शिखा जिनकी है और पास में हाथ जोड़े हुए खड़े हुए हाथ जोड़े, कौन है वो? हाँ, शिवाज ठाकुर। वो कौन है? नारद मुनि का रूप है। तो पांच पांच तत्व हो गए। कौन कौन से? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त। शिवास और उनके जितने भी वो आसपास भक्त खड़े। तो वापस बताइए कौन कौन पांचों बता सकता है? किस किस को पांचों आ गए? हाँ बताइए। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण, स्वयं कृष्ण राधा रानी के भाव में। और नित्यानंद प्रभु बलराम जी है। अद्वैत आचार्य महाविष्णु सदाशिव का। और गदाधर पंडित राधा रानी का। और सदाशिव, हाँ शिवास, शिवास शिवास ठाकुर नारद। याद हो गया सबको? कौन बता पाएगा वापस? हाँ, पांचों पांचों में से कोई एक कौन बता पाएगा? याद हो गया सबको? हाँ, किसी को याद नहीं हुआ? हो गया याद सबको? हाँ पक्का? बताइए प्रभु श्रीवास ठाकुर किसके रूप में? हाँ राजीव, राजीव प्रभु श्रीवास ठाकुर किसके रूप में? हाँ प्रभु जी, हाँ राधा रानी के, राधा रानी के नहीं, नारद मुनि के। ये क्या है? ये संबंध ज्ञान है। जब तक भगवान से संबंध नहीं बनेगा तब तक उनसे प्रेम कैसे करेंगे? आपको किसी स्त्री से या स्त्री कोई पुरुष से प्रेम करना रहता है तो क्या होता है? सब उनके बारे में जानकारी रखते हैं हम, कौन सी गली में रहती है, कितने बजे आती है, सब कुछ रखते कि नहीं? तो भगवान से जब प्रेम करना है तो उनके बारे में जानना पड़ेगा, कितने रूप है उनके, कितने अवतार हैं, और कलयुग में कौन सा अवतार है, कितने उनके पार्षद हैं, किसके साथ वो आते हैं, क्यों आते हैं, काय के लिए आते हैं। भगवान से प्रेम करना चाहते कि नहीं? हाँ, भक्ति मतलब क्या? प्रीतिपूर्वक सेवा, प्रेम भगवान से, प्योर डिवोशनल सर्विस। तो वो करेंगे कैसे जब तक संबंध ज्ञान नहीं होगा? तो संबंध ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो वापस हो गया, पांचों याद हो गए, किसी को पूछो वापस? हाँ हो गया सबको? हिमांशु प्रभु बता पाएंगे? नहीं। किसी किसको याद हो गया पांचों में से कोई एक भी? सब याद हो गए? नितेश प्रभु। तो बताइए रूपेश प्रभु जी, अद्वैत आचार्य कौन थे? महाविष्णु सदाशिव के। और गदाधर पंडित नितेश प्रभु, दाढ़ी वाले नहीं, गदाधर पंडित वो रेड वाले, रेड धोती वाले राधा रानी। हाँ सबको याद हो गया। चलिए तो फिर पूछा जाएगा आपसे, तभी प्रसाद मिलेगा आपको। तो कुल मिला के अभी मोटा मोटा समझने की जरूरत ये है आज के इसमें प्रोग्राम में कि कृष्ण कौन थे? श्री कृष्ण चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु। और बलराम जी कौन थे? नित्यानंद प्रभु, जिनका दो दिन पहले आविर्भाव दिवस था। आविर्भाव दिवस मतलब अपीयरेंस डे, मतलब साला की भाषा में बर्थडे। तो तीन दिन पहले उनका बर्थडे गया, तो वो आज हम सेलिब्रेट कर रहे थे उनका अभिषेक कर। तो नित्यानंद प्रभु जो है परम करुणा के अवतार है। अब अच्छा ये समझ गए कि राम जी के साथ जो लक्ष्मण जी थे वो कौन थे? नित्यानंद प्रभु। शेषनाग जो महाविष्णु के साथ है वो कौन है? नित्यानंद प्रभु।
कृष्ण के साथ जो बलराम है वो कौन है? नित्यानंद प्रभु। समझ गए? इतना तो समझ गए। तो अब अगर आप देखेंगे शेषनाग को देखिए, क्या आपको ऐसा बोल सकते कि वो परम करुणामय अवतार है? एक सांप को देख के नहीं कह सकते, जिनके हजारों फन हो तो एक एक फन में अपना एक एक ब्रह्मांड का भार उठाए हुए। तो भले वो करुणा के अवतार है भी, लेकिन फिर भी आप उनको नहीं कह सकते, क्योंकि वो पूरा टाइम भगवान की सेवा में ही लगे हुए, उनको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते एक मिनट भी। ऐसा कहते हैं कि अनंत मुख से, अनंत समय से क्या कर रहे हैं शेषनाग? भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एक लीला का भी ढंग से कर नहीं पाए। सोचिए भगवान की कितनी सारी लीला है, एक लीला का भी पूरा रूप से विस्तार में वर्णन नहीं कर पाए। तो वो शेषनाग है। फिर आगे चले हम तो कौन सा रूप, कौन सा त्रेता युग में कौन आए राम जी के साथ? लक्ष्मण जी, जो नित्यानंद प्रभु साक्षात है। तो लक्ष्मण जी परम करुणा के अवतार है कि नहीं? हाँ है कि नहीं? नहीं है तो मतलब भगवान में कमी है। हाँ नहीं है तो मतलब भगवान में कमी है कि नहीं? परम करुणा के अवतार नहीं तो अवतार नहीं है, पार्षद है। लक्ष्मण जी कौन है? भगवान के फर्स्ट विस्तार है। कृष्ण से डायरेक्ट जो पहला विस्तार आता है वो बलराम जी आते हैं। तो राम जी से सबसे पहला विस्तार कौन है? लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी करुणा दया के अवतार है कि नहीं? नहीं है। अगर भगवान में कुछ क्वालिटी नहीं है तो मतलब वो भगवान कैसे हुए? परमात्मा मतलब जो पूर्ण रूप से वो पूर्ण है आत्मा, सुप्रीम सोल, नहीं तो वो जीवात्मा कहलाएगी। बताइए, अब बताइए लक्ष्मण जी में करुणा है कि नहीं? है, लेकिन वो शो नहीं किए थे। है लेकिन वो उस रूप में नहीं थे स्पेशली वो शो करने के लिए। वो लक्ष्मण जी भी क्या थे? भगवान की सेवा में ही जो है 24 घंटे जो है भगवान की सेवा में ही लगे हुए थे। रात को इवन काफी समय तक ऐसा कहा जाता है रावण में कि लक्ष्मण जी सोए नहीं थे। उन्होंने अपना निद्रा किसको दे दिया था? अपनी पत्नी को दे दिया था, ताकि वो भगवान का पूरा अच्छे से सेवा कर पाए। हमें है तब हमको तो जो सेवा मिलती है वो भी नहीं कर पाते, 24 घंटे जाके करने का तो दूर की बात है। तो लक्ष्मण जी जो है साक्षात क्या है? भगवान नित्यानंद के ही अवतार है एक तरीके से, अंश अंश रूप में। शेषनाग जो है नित्यानंद प्रभु के अंश रूप में, एकदम छोटे से अंश जिसको बोलते हैं, उनके विस्तार है। तो लक्ष्मण जी का अगर आप देखेंगे व्यवहार अगर उनका देखेंगे, तो वो जरा सा भी अगर भगवान की सेवा में विघ्न आए तो क्या है, वो सहन नहीं करते। हाँ सुग्रीव जी जब हम जानते हैं कि जब चतुर्मास था, भगवान बोले राम जी कि सीता मैया को ढूंढना है, बाली खत्म हो गए, अब हमने आपका क्या किया, प्रॉब्लम को सॉल्व किया, अब आप हमारा प्रॉब्लम थोड़ा मदद करें। तो भगवान को वैसे जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी भगवान उनको सेवा में लगा। तो सुग्रीव जी बोले कि भैया अभी चतुर्मास चल रहा है, ये 4 महीने चले जाए तो उसके बाद फिर क्या है, हम तब तक अभी अभी मैं राजा बनाऊ, थोड़ा कुछ देख तो ले लेता हूँ, मजा ले लेता हूँ, तो ये 4 महीने जैसे ही जाएंगे मैं काम पे लग जाऊंगा। तो लक्ष्मण जी बोले, राम जी बोले ठीक है, हम भी 4 महीने चतुर्मास का समय है, भजन करते हैं। तो फिर चतुर्मास बीत गया और सुग्रीव जी का कोई मैसेज नहीं आया, कोई वानर उनकी तरफ से आया नहीं बताने के लिए कि भैया अब 4 मास बीत गया और मैं तैयार हूं। तो राम जी क्या बोले, लक्ष्मण जी को भेजे कहाँ पे, सुग्रीव जी के पास में भेजे और बोले कि जरा इनको बता कर आइए कि 4 महीने बीत चुके हैं, और क्योंकि राजा के पास जा रहे थे तो थोड़ा राम जी ने बोला कि थोड़ा अगर अच्छे से नहीं माने और थोड़ा बोले कि और थोड़ा रुकना है तो आप क्या करिए, थोड़ा धनुष बाण से थोड़ा धमकी देकर आइए, भैया 4 महीने बीत चुके हैं, अगर आप नहीं आ रहे तो फिर हम अपनी तरफ से कुछ प्रयास करें। लक्ष्मण जी क्या बोले, अरे धमकाने की जरूरत क्या है, अभी उनको एकदम टाइटाइफिस करकर ही आते हैं ना, धमकाने की जरूरत क्या, डायरेक्ट काम पर कर आते हैं, धमकाने वाला काम जरूरी नहीं। तो बोले राम जी बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, सिर्फ उनको इन्फॉर्म करके आइए आप तो कि 4 महीने हो गए, अब आ जाइए अपने काम पर लग जाए। तो हम देखते हैं कि लक्ष्मण जी कैसे गए, एकदम क्रोध पे गए, बोले कहां हो सुग्रीव, बाहर निकलो, मेरे धनुष बाण से अगर बचना है तो तुरंत बाहर आओ। सुग्रीव जी सब कुछ छोड़ छाड़ के बोले निराश हटाओ, ये सब हटाओ, अप्सरा को ले जाओ, कुछ नहीं दिक्कत है उनको, जल्दी लक्ष्मण जी आ रहे हैं उनको बैठने के लिए आसन दो। तो फिर वो तुरंत काम पे लग गए। फिर वैसे ही हम सूत नखा का भी देखते हैं, वो आई थी किनसे, राम जी से,
राम जी के पास आई थी, तो राम जी बोले भैया मैं तो एक पत्नी व्रत वो है, एक पत्नी का व्रत है मेरा, लेकिन लक्ष्मण जी का ऐसा कोई व्रत नहीं है, उनके पास तो उनकी स्त्री भी नहीं है, बीवी भी नहीं है, उनसे शादी कर लो। तो लक्ष्मण जी के पास गई, सूक्त रखा, बोले राम जी ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, बोले नहीं नहीं मैं नहीं, आप उनके पास ही जाओ। फिर गई राम जी के पास, तो राम जी बोले नहीं नहीं आप लक्ष्मण जी के पास जाओ। तो इधर उधर 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 होके उनको थोड़ा गुस्सा आने लगा, तो राम जी तो क्या है एकदम आराम से उसको भेज रहे थे, लेकिन लक्ष्मण जी को गुस्सा आया, तो बोले क्या बोले, बोले तुमको समझ में नहीं आता बार बार आ जाती हूँ, रुको, ये करके नाकी काट दिया। तो लक्ष्मण जी का हम देखते हैं कि वो अगर भगवान की सेवा में कोई भी विघ्न आप डालेंगे, अगर आप भगवान का नाम नहीं लेंगे, अगर आप कौन कौन भगवान का नाम लेता है, हरे कृष्ण महामंत्र की माला करता है, हाँ चलिए अच्छा, भीड़ भीड़ में नहीं कम से कम हाथ उठा दो। तो अगर लक्ष्मण जी को जरा सा भी सेवा में विघ्न दिखता है, या कोई भगवान का नाम नहीं लेता है, या कोई भगवान के प्रति फेवरेबल नहीं होता है सेवा करने के प्रति, तो वो क्या करते हैं डायरेक्ट अपना धनुष बाण उठाते और उनको ठिकाने लगा देते, वो जरा सा भी दया भाव नहीं दिखाते। जो भगवान का सेवा करेगा वो रहेगा, वो उसको विभीषण जैसे सम्मान मिलेगा, और जो नहीं रहेगा वो नहीं रहेगा, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, लक्ष्मण जी का यही सिद्धांत। फिर हम बलराम जी पे आए, तो बलराम जी का व्यवहार भी देखने में तो बहुत अच्छे थे, और बहुत कृष्ण का सहायता भी किया, अलग अलग जो है युद्ध में सहायता किया, जब धेनु का सुर और उनका वध हुआ था, कलंबा सुर का वध किया था, तो हम जानते हैं बलराम जी ने कैसे किया, एक एक मुक्के में जो है कलंबा सुर को मार के मार गिराया था, धेनु का सुर का ऐसा वध किया था, धेनु का सुर कौन था, गधा, हाँ। तो हमारे भी जो गधी मेंटेलिटी है कि भगवान का नाम नहीं लेना, भगवान के जो प्रभुपाद जी के शास्त्र है भगवत गीता भागवतम उनका अध्ययन ना करना, और उसके अलावा सेवा नहीं करना भगवान की, तो क्या होते बलराम जी, बलराम जी ये नहीं देखते कि अरे इनको थोड़ा चांस मिल जाए, वो सीधा अपना मुष्टिक प्रहार, एक मुक्का मारेंगे और गिरा के देंगे आपको, तो वो वेट नहीं करते। और उनका व्यवहार भी देखें तो बहुत एकदम डिफरेंट सा लगा, वो व्यवहार समझ में आना बहुत मुश्किल है, सही है कि नहीं, हाँ। दुर्योधन से मित्रता कर ली, ये कौन सी बात है, कृष्ण पांडव को लेके चल रहे हैं, बोले दुर्योधन को कौरव को साइड में लाओ, और बलराम जी दुर्योधन से ही मित्रता कर ली। फिर जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, एक उम्मीद थी कि भैया बलराम जी क्या है, बोले अगर कृष्ण अस्त्र शस्त्र नहीं उठा रहे तो बलराम जी तो खैर कम से कम, उनका उम्मीद था, लेकिन वो बोलते मैं युद्ध नहीं करूंगा, तीर्थ यात्रा में जाऊंगा, ये क्या बात हुई भैया। और तीर्थ यात्रा में भी गए तो रोम हर्षण का वध कर दिया, किस कारण से, जब गए थे वो तो बलराम जी को देख के सब खड़े हो गए, यहाँ पे बलराम जी आए तो सब क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, तो वैसे ही वहां पे सब खड़े हो गए, लेकिन रोम हर्षण जी भागवत कथा कर रहे थे, तो वो क्या है थोड़ा सा उनके अंदर एक घमंड सा एक अहंकार सा आ गया था, तो भागवत कथा करते हुए यूं बैठे रहे, और बलराम जी आए लेकिन वो खड़े नहीं हुए। बलराम जी ने क्या किया, एक दिन का देखा जमीन पे और उनका वध हो गया। जरा सा एक आप सोचे कि भैया ये कोई बात नहीं, नहीं खड़े हुए तो ठीक है उनको खड़ा कर देते, लेकिन मार ही दिया ये तो डायरेक्ट, तो उनका व्यवहार आपको समझ में नहीं आएगा। भगवान की सेवा में दिक्कत हुई तो डायरेक्ट जो गधा मेंटेलिटी हमारा है, धेनुकासुर को पटक पटक के मारा, वैसे ही हमको पटक पटक के मारे। लेकिन कलयुग में तो भैया हर किसी का ऐसा मेंटेलिटी, ठीक है सत्ययुग में त्रेता युग में द्वापर युग में तो चलेगा, लेकिन सत्ययुग में तो सॉरी कलयुग में तो हर कोई ऐसा है, सेवा करने के लिए बोलो तो गुम हो जाता है, बोले प्रभु जी हमारे घर पे थोड़ा काम है कुछ भी, सो ऑन रीजन प्रभु जी मंगल भोग के लिए सबको फोन लगाते रहते हैं, आज जैसे काफी सारे भक्त छप्पन भोग बना के लाए, कोई नारियल पानी लाया, कोई दही दूध घी शहद या बहुत सारा चीजें लाया, फूल माला बना के लाया, प्रदीप प्रभु वंदा माता जी नई ड्रेस लाए, और उसके अलावा रवि लोचन प्रभु कल पूरा जो है शाम से पूरा लगे हुए थे, ये जो फोकस लाइट है पूरा लगाया, और उसके अलावा स्पीकर बाहर कनेक्ट किया, तो सब भक्त बहुत समय से लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ भक्त क्या होते हैं कुछ ना कुछ बहाना बना के कल्टी मार ही लेते हैं तो ये मेंटेलिटी सब में होती है, क्योंकि कलयुग का यही लक्षण है, आलस्य निद्रा क्रोध ये सब कलयुग का लक्षण है। तो कलयुग में क्या है, एक स्पेशल भगवान का अवतार चाहिए था जो उनको बिना मारे उनका उद्धार कर सके, सही है कि नहीं, अगर मारना चालू होंगे तो कलयुग में तो सबको मारना पड़ेगा, अभी हम जगाई मदाई का कथा सुनेंगे,
कैसा उन्होंने उद्धार किया, किनको? नित्यानंद प्रभु ने उनका उद्धार किया। तो अगर हम कलयुग में मारना चालू करेंगे भगवान, तो सबको ही एक तरीके से मारना पड़ेगा। जो बोलते हैं मैं भक्त हूं, तो वो भी वाकई में क्या है? भक्त है कि नहीं? हाँ, जो बोलता है मैं भक्त हूं, वो भक्त है कि नहीं? हाँ, भक्ति का मतलब क्या हुआ? प्रीति पूर्वक सेवा। भक्ति का दो मतलब होते हैं, एक तो वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं अपने चैतन्य भागवत में, भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग धन भक्ति ऐ कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। भक्ति का मतलब क्या है? कृष्ण का नाम लेके रो कृष्ण के विरह में कि कब मिलेंगे मुझे कृष्ण। ऐसा हालत है क्या हमारा? हाँ, तो मजे से लगे हुए, नहीं मिले ठीक है, मिले कोई दिक्कत नहीं, माला कर ली नहीं करी ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बुक्स पढ़ ली भगवदगीता पढ़ ली नहीं पढ़ी कोई तो दिक्कत नहीं, चार नियम फॉलो हो रहे नहीं हो रहे ठीक है, प्याज लहसुन खाते रहो, कभी ना कभी तो उद्धार हो ही जाए। तो भगवान का एक और विशेष अवतार आने वाला है अभी कलयुग के एंड में, कल की अवतार, भगवान घोड़े पे बैठ के तलवार लेकर आएंगे और लाइन से सबका गर्दन काट जाएंगे, फिर वो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन नित्यानंद प्रभु अभी आए हैं हमारा उद्धार करने के लिए, परम दयालु अवतार। एक बहुत सुंदर श्लोक है, दोहराइएगा मेरे पीछे, कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है कि नहीं? है कि नहीं? इसका क्या प्रमाण है? नरसिंह पुराण में इनका प्रमाण आता है, इवन नरोत्तम दास ठाकुर अपने भजन में भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? व्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइलो सही बलराम होइलो नेता। जो व्रजेंद्र नंदन थे, जो व्रज के नंदन थे, वो कौन थे? सची सुत, सची माता के बेटे थे, और बलराम होइलो नेता। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं साक्षात कृष्ण है, और वो आए क्यों? क्योंकि भगवान ने क्या करा, मतलब भगवान दोनों तरफ से घेर लिए। क्या बोले? बोले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सबको छोड़ छाड़ के मेरी शरण में आ जा। अब बीच में हम कंफ्यूज हो गए, बोले कैसे शरण में जाए सबको छोड़ छाड़ के? तो बलराम जी वहां पे खड़े, छोड़ रहे हो कि नहीं छोड़ रहे हो? तुम्हारा काम कर दूं अभी। तो दोनों तरफ से कंफ्यूजन है, नहीं छोड़े तो बलराम जी मार देंगे, और छोड़ दे तो भगवान कैसे छोड़ दे। तो भगवान कलयुग में आए अपना अपने ही भक्त बन के भक्ति सिखाने की, भैया छोड़ना मतलब दूसरी जगह से आसक्ति छोड़ के भगवान से आसक्ति लगाना, छोड़ना मतलब सब कुछ घर बार नहीं छोड़ना, छोड़ना मतलब आसक्ति छोड़ना। तो एक बहुत अच्छा श्लोक है नरसिंह पुराण में, बोलिए, सत्य दैत कुलादि नाश समय, सत्य दैत्य कुलादि नाश समय, सिंहोर्धव मर्त्या कृतिम, सिंहोर्धव मर्त्या कृतिम, सत्युग में क्या हुआ? सत्य दैत्य, सत्युग के जो दैत्य थे राक्षस थे, उसको मारने के लिए कौन आए? नरसिंह देव आए ऑपरेशन करने के लिए, पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो नरसिंह देव खुद भगवान आए डॉक्टर बनके, उनके नाखून उनका कैंची थी, और उन्होंने बेड, जो बेड जिसमें ऑपरेशन करते वो क्या था? उनकी जांघें थी। उन्होंने पेशेंट को लेटाया, अपना सीजर निकाला और ऐसा ऑपरेशन किया कि पूरी तरीके से जड़ से बीमारी निकाल दी, लेकिन उसमें गलती ये हुई कि पेशेंट मर गया। उसका उद्धार हो गया लेकिन वो पेशेंट मर गया। फिर द्वापर युग त्रेता युग में क्या हुआ? त्रेतायाम दशकंदरम परिभवम रामेति नामकृति, रामेति नामकृति। फिर त्रेता युग में कौन आए? रामेति, राम नाम के भगवान आए, लेकिन दशकंदरम, जो जिसके 10 सर थे उनका उद्धार करने आए, लेकिन उनके उद्धार में भी एक दिक्कत हो गई। क्या हो गया? ऑपरेशन सक्सेसफुल लेकिन पेशेंट डेड हो गया। फिर भगवान ने क्या बोला कि अब मैं एक काम करूंगा, अब जो है फाइनली मैं एक काम करूंगा, मैं अस्त्र ही नहीं उठाऊंगा तो पेशेंट मरेगा ही नहीं। हाँ, सीता मैया से वादा किया पक्का कि अब मैं पेशेंट को नहीं मारूंगा। आप बोलते हो ना कि मैं ये पेशेंट का अच्छे से ऑपरेशन करूं, मैं अब ऑपरेशन भले पेशेंट का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए, उसका उद्धार हो जाए, लेकिन अब मैं ये वादा करता हूं कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं ये कैंची से उसका ऑपरेशन नहीं करूंगा। तो सीता मैया खुश हो गई, बोले ठीक है अगला जन्म लेते। तो बोलिए,
गोपाल परिपालयन गोपाल परिपालयन व्रजपुरे व्रजपुरे वारं हरं भापरे वारं हरं भापरे वारं हरं द्वापरे वारं हरं द्वापरे। द्वापर युग का भार हरने के लिए कौन आए? कृष्ण कृष्ण आए। गोपाल परिपालयन गोपाल वो गोपाल गायों के पालक करने वाले व्रजपुरे व्रज में जन्म लिए और पेशेंट का उद्धार किए। अस्त्र नहीं उठाए, पूतना का वध किया, अस्त्र नहीं उठाए। अगासुर शक्टासुर बकासुर किसी भी असुर का वध किया लेकिन अस्त्र नहीं उठाए। फिर सीता मैया के रूप में राधा रानी आ गई। राधा रानी के एक अंश मात्र है सीता देवी। वो बोले आपने वादा किया था कि नहीं मारोगे। बोले मैंने ये वादा किया था कि अस्त्र नहीं उठाऊंगा लेकिन इसका गारंटी नहीं दिया था कि पेशेंट के बाद जो है ऑपरेशन के बाद पेशेंट बचेगा कि नहीं। तो बोले ये कोई बात हुई? अरे ऐसा उद्धार करी पेशेंट का, ऐसा ऑपरेशन करी बेचारा जी तो पाए, जिएगा नहीं तो क्या भक्ति करेगा। ये तो आपने उद्धार तो कर दिया, अलग अलग प्रकार की मुक्ति तो दे दी लेकिन अस्त्र उठाया नहीं, लेकिन आपने मार तो दिया उसे। तो फिर राधा रानी से वो वापस हाथ जोड़ एकदम पक्का वादा किया, हाथ मिलाकर बोले कलयुग में मैं आऊंगा चैतन्य नाम से, श्री कृष्ण चैतन्य नाम से मैं आपको वचन देता हूं कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं पेशेंट को मारूंगा भी नहीं। तो फिर भैया आप उद्धार कैसे करेंगे? बोले गौरांग प्रिय कीर्तने गौरांग प्रिय कीर्तने कलियुगे कलियुगे चैतन्य नाम प्रभु चैतन्य नाम प्रभु। हाँ, कलयुग में गौरांग का प्रिय हरिनाम संकीर्तन, भगवान का नाम लो और उद्धार लो, भगवान का नाम लो और उद्धार हो जाए। कौन सा नाम लेना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये नाम लो और आपका उद्धार हो जाएगा। चैंट एंड बी है, प्रभुपाद जी ने बोल दिया। अब नाम लेना आसान है कि डिफिकल्ट है? आसान है तो क्यों नहीं लेते, आसान है तो क्यों नहीं लेते? कौन कौन सोलह माला करता है बताइए? आसान है तो फिर क्यों नहीं करते सोलह माला? हाँ, इसका मतलब डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है कि नहीं? तो आसान भी है पर डिफिकल्ट भी है। हाँ, जैसे एग्जाम को पेपर आपके सामने लीक कर दिया जाए और कल एग्जाम है तो उसको पढ़ के एग्जाम देना आसान है कि डिफिकल्ट है? होता क्या है कि जब ज्यादा आसानी दे दी जाती है तो और आलसी हो जाते हैं हम, और कलयुग का तो लक्षण ही आलस। तो एग्जाम का पेपर दे दिया गया तो उसमें भी पूछेंगे कि इसमें हाई वेटेज वाले कौन से, ये 20 में से 5-6 अगर 50% ज्यादा कवर कर ले तो उतना बहुत करके जाऊंगा। तो भगवान ने बोला कि भैया हरिनाम जपो और चैंट एंड बी हैप्पी, उद्धार करवा लो। हरिनाम इसमें भी कुछ थोड़ा थोड़ा सा कुछ हमको जो है एक क्या बोलेंगे थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट, हाँ इम्पोर्टेंट है वो बोलते ना छूट जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा छूट मिल जाता है ये हरिनाम लेने में। गौरांग महाप्रभु तो बोले कि ऐसा भक्ति योग करो, ऐसा भक्ति करो, कैसा भक्ति करो कि कृष्ण का नाम ले लेंगे रहो कि कृष्ण कब हमें मिलेंगे। बोले नहीं थोड़ा सा तो छूट मिल जाए, अभी हमारा स्पेस नहीं है। तो प्रभुपाद जी को भेजे हमारा उद्धार करने के लिए अपने सेनापति पार्षद को। प्रभुपाद जी बोले ठीक है सोलह माला करो खुश रहो। बोले अरे थोड़ा सा और छूट। बोले ठीक है जितनी माला हो सकती है उतना करो, धीरे धीरे बढ़ा के 16 करो। अब उसमें भी छूट मांगेंगे थोड़ा सा और छूट की भगवान का नाम न ले और हमारा उद्धार हो जाए, ऐसा कोई छूट मिलेगा क्या? नहीं छूट मिलेगा लेकिन उसके लिए आपको कलयुग के एंड तक रुकना पड़ेगा, फिर कल की भगवान आपका तलवार से बढ़िया उद्धार करेंगे। चलो तो भगवान कलयुग में आए किसके रूप में? चैतन्य महाप्रभु के रूप में। लेकिन चैतन्य महाप्रभु भी एक बात में बहुत स्ट्रिक्ट थे। कौन कौन सी? एक दो बात में बहुत स्ट्रिक्ट थे। कौन कौन सी? कृष्ण की कृपा पाना है तो राधा रानी के पास जाओ, राधा रानी की कृपा पाना है तो चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण दोनों है उनके पास जाओ। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा भी तो आसानी से नहीं मिलती। चैतन्य महाप्रभु के पास अगर जाना है तो नित्यानंद प्रभु के जरिए ही जाना पड़ेगा। क्यों? कि चैतन्य महाप्रभु बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे दो बातों में। एक तो आपसे कोई वैष्णव अपराध नहीं होना चाहिए। वैष्णव अपराध मतलब जो भक्त हैं उनका निंदा करना, उनको जो है देखकर खुश नहीं होना, उनको मारा पीटी करना, उनके साथ झगड़ा करना, हंसी मजाक में उनके साथ कुछ ऐसा कह देना कि उनका दिल
दुख जाए, तो ये सब क्या वैष्णव अपराध के अंडर में आता है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि ये नहीं करना, और दूसरा स्त्री से दूर रहना, स्ट्रिक्टली एकदम स्ट्रिक्टली बोले, स्त्री जो है वो पुरुषों से दूर रहे और जो पुरुष है वो स्त्री से दूर रहे। अगर आप विवाहित है तो अपने स्त्री को पास में रहिए, बाकी दूसरी स्त्रियों से दूर रहिए, और विवाहित नहीं है तो सभी स्त्रियों से दूर रहिए, और स्त्री की तरफ देखना भी नहीं। हाँ, छोटा कृष्णदास का कथा आता है, क्या नाम था उनका, छोटा हरिदास का कथा आता है। वो सन्यासी थे और एक बार जस्ट कुछ सोचे नहीं मन में, कुछ करे भी नहीं, जस्ट एक बार स्त्री को देख ली, चैतन्य महाप्रभु ने बोला मुझे अपना मुंह कभी मत दिखा, और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, सोचिए। और उसके बाद कोई भी अपने मन में क्या गलती से भी किसी स्त्री में नहीं सोचता, किसी स्त्री के बारे में नहीं सोचता, वैसे स्त्रियों का कि वो पुरुष के बारे में नहीं सोचता। ये चैतन्य महाप्रभु का दो मुख्य रूल है कि स्त्री के बारे में मत सोचो और वैष्णव अपराध मत करो। अब इसमें भी क्या होता है, हम थोड़ा बहुत पालन कर सकते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हो ही जाता है, क्या करें। पूरा एकदम स्ट्रिक्ट से पालन करेंगे, ब्रह्मचार्य रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी इतना अभी संस्कार पुराने जन्म का है तो कैसे जाएगा वो, फिर भी हंसी मजाक करना माता जी से, स्त्रियों से, और ये सब चलता रहता है, तो उसको कैसे बंद करें। तो उसके लिए बताते हैं कि आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा, गुरु के पास मतलब जिन गुरु से आप कनेक्टेड है, जैसा वो आदेश देते वैसा करिए, और दूसरे आदि गुरु नित्यानंद प्रभु का शरण लेना पड़ेगा। तो नित्यानंद प्रभु इन दोनों को भी माफ करके एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु का भी एक शर्त है, नित्यानंद प्रभु के अलावा और कोई उद्धार नहीं कर सकता, ये भी बात ध्यान रखिए। बोले नित्यानंद प्रभु का एक शर्त है तो और कोई इसके अलावा जिनका कोई शर्त नहीं, ऐसा नहीं भैया, वो एक शर्त तो आपको माननी पड़ेगी, क्या नहीं। नित्यानंद प्रभु बोलते डुप्लिक्सिटी, ड्यूअलिटी नहीं होनी चाहिए आपको, आप चलिए चैतन्य महाप्रभु आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैं करूंगा, लेकिन आपसे एक वादा चाहिए, आज तक जो भी किया वैष्णव अपराध किया ठीक है, आज तक आपने स्त्रियों की तरफ देखा किसी भी नजर से देखा ठीक है, लेकिन मुझे वादा करिए कि आज के बाद आप ये नहीं करेंगे तो मैं आपको एक्सेप्ट करूंगा। ऐसा नहीं कि अंदर से कहो अरे प्रभु जी हम अंदर कुछ और बाहर कुछ और होगा, तो ना कृष्ण एक्सेप्ट करेंगे ना नित्यानंद प्रभु। कृष्ण बांसुरी को बजाते हैं, हारमोनियम बजा सकते हैं, मृदंग बजा सकते हैं, गिटार बढ़िया बजाते हैं, टन टन कर क्यों बांसुरी बजाते हैं, हाँ बताइए। मृदंग में अंदर कुछ और रहता है बाहर कुछ और रहता है, हारमोनियम में खोल के देखेंगे अंदर कुछ और बाहर कुछ और, लेकिन बांसुरी में जैसा अंदर वैसा बाहर, इसलिए कृष्ण उसको अपने अधरों से लगाते हैं। तो कृष्ण भी एक्सेप्ट किसको करते, जो ड्यूअलिटी दो पाथ पे, दो पथ पे ना चले, एक सिंगल पथ पे जाए, आज से जो है पाप करना छोड़ दे। हम जगाई मदाई का कथा सुनते हैं कैसे उन्होंने उनका उद्धार किया, तो लोचनदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के बहुत बड़े भक्त थे, वो क्या बोले, बोलिए लोचन बोले जे मोर निताई ना भजी लो। लोचनदास ठाकुर बोलते हैं जिसने मेरे नित्यानंद प्रभु को नहीं भजा, उसका भजन नहीं किया, उनको नहीं माना, उनकी शरण ग्रहण नहीं करी, तो उन्होंने क्या किया, बोलिए जानिया सुनिया से ही आत्मघाती होई लो। उसने क्या किया, जान बूझ कर सुसाइड किया, अनजाने में नहीं, जान बूझ कर, कोई डिप्रेशन नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, एकदम बहुत अच्छी हस्ती खेलती लाइफ चल रही, लेकिन फिर भी क्या आप यहां से कूद जाएंगे, ये तो जानबूझ के सुसाइड करना हुआ, भैया क्या दिक्कत थी आपको, वो तो बताओ, बोले कुछ नहीं प्रभु जी गहराई ना पड़ा था इसलिए कूद गया, ये कौन सी बात है। तो वैसे ही नित्यानंद प्रभु को जो नहीं भजता है, जो उनका पूजन नहीं करता है, जो उनका भजन नहीं करता है, वो क्या है, जानिया सुनिया सही आत्मघाती हो गया, जानबूझ कर उसने आत्महत्या कर दी अपनी। इसलिए नित्यानंद प्रभु का शरण ग्रहण करना बहुत जरूरी है, क्यों, देखिए यहां भी बोलते हैं रामेर चरित्र सब दुखेर कारण स्वतंत्र लीला दुख सहेन लक्ष्मण निषेध करी ते नारे ज्ञाति छोटे भाई मौन धरी रहे लक्ष्मण मने दुख पाई कृष्ण अवतारे ज्येष्ठ हैला सेवार कारण कृष्ण के कराई नाना सुख अस्वादन राम लक्ष्मण कृष्ण रामेर अंश विशेष अवतार काले देही
दैत्य प्रवेश, श्री राम तथा श्री लक्ष्मण जो क्रमश भगवान कृष्ण तथा बलराम के पूर्ण अंश है, कृष्ण तथा बलराम के आविर्भाव के समय उनमें प्रविष्ट हो गए। सही अंश लघुआ ज्येष्ठ कनिष्ठा बिंद अंशाशी रूपे शास्त्र करिए व्याख्यान। वही क्या हुए, श्री चैतन्य सही कृष्ण नित्यानंद राम, नित्यानंद पूर्ण करे चैतन्य काम। भगवान चैतन्य ही भगवान कृष्ण है और नित्यानंद भगवान ही बलराम है। भगवान नित्यानंद श्री चैतन्य महाप्रभु की सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। असिस्टेंट तो चाहिए रहेगा, भगवान सब काम खुद तो नहीं करेंगे, तो भगवान का जो मेन सेवक है वो कौन है, नित्यानंद राम, नित्यानंद प्रभु। तो एक बहुत सुंदर कथा आता है कि महाप्रभु का जन्म विशेष करके हुआ है सबको भक्त बनाने के लिए। सबको पकड़ पकड़ के क्या करते थे, कृष्ण प्रेम की बाढ़ में डुबो देते थे, लेकिन फिर भी कुछ क्या है सन्यासी, जो सो कॉल्ड सन्यासी है या कुछ जो है द्वेष्टी पाखंडी, ये सब क्या है बच के निकल जाते थे। तो उस समय क्या कि चैतन्य महाप्रभु को सीरियसली नहीं लेते थे, बोले अरे ये बच्चा क्या हमें आदेश दे रहा है कृष्ण का नाम जपो, देखो तुम। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, संन्यास ग्रहण कर लिया, क्योंकि उस समय सन्यासी का बहुत इज्जत था, आज भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है तो उस समय बहुत लेकिन उनका इज्जत था। तो चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया अपने 24 साल की उम्र में, अपना घर बार सब छोड़ के उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। और जैसे ही संन्यास ग्रहण किया तो नित्यानंद प्रभु क्या दिया, आदेश दिया, क्या आदेश दिया बोलिए, सुना सुना नित्यानंद, सुना हरिदास, सर्वत्र अमार आज्ञा है, कर प्रकाश प्रति घरे घरे किया, बोलिए बोलिए एनर्जी खत्म हुई, प्रति घरे घरे किया, कर ऐ भिक्षा, बोलो कृष्णा भज कृष्णा, कर कृष्ण शिक्षा। फिर चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु को आदेश दिए कि घर घर जाके हर किसी से क्या करो, रिक्वेस्ट करो कि वो कृष्ण का नाम बोले, कृष्ण की पूजा करें और कृष्ण को भजे, कृष्ण की शिक्षाओं का पालन करें। और यहां तक तो सबने सुना है, कितनों ने सुना इतना, लगभग इतना सबने सुना हो, लेकिन इसके आगे हो सकता है नहीं सुना हो, लेकिन ध्यान से सुनिए। इहा बोला आर ना बोला बुलाईबा, दिना अवशेषे आशी अमार खाईबा कहीबा, अमारे कहीबा। क्या बोलते हैं फिर, यह बोला आर ना बोला बलाईबा, इतना ही बोलना जितना कहा गया है, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण कहो कृष्ण शिक्षा, और कुछ ना बोलना ना बोलवाना। और दिना अवशेषे, जो दिन की पूरी रिपोर्ट है वो आके मुझे देना। और फिर उसके आगे क्या बोलते, ध्यान से सुनिए, तो अमार करीले भिक्षा यही ना बोलाईबा, तारे आवी चक्र हसीते सवार काटीबा। चैतन्य महाप्रभु भी कभी कभी अस्त्र उठाने में मजबूर हो जाते, क्या बोल रहे, जो आपसे भिक्षा मांगने, आपसे रिक्वेस्ट करने के बाद मेरा चक्र फिर उसका उद्धार करेगा। तो राधा रानी को बोले कि भैया इससे ज्यादा नीचे में नहीं जा सकता, अब मैं हरिनाम के द्वारा उद्धार करूंगा, लेकिन फिर भी शास्त्र तो मैं उठाऊंगा, तो मैं नित्यानंद प्रभु के जरिए क्या करूंगा, सबके पास जाऊंगा, सबसे रिक्वेस्ट कराऊंगा, और जो हरिनाम नहीं लेगा वो मेरे चक्र का क्या बनेगा, मेरे चक्र के लिए एक प्रकार का कारण बन जाएगा। तो चैतन्य नित्यानंद प्रभु आपके पास आए, किनके पास नहीं आए, सबके पास ऑलरेडी जा चुके हैं वो, सबके पास वो ऑलरेडी जा चुके हैं, जब तो आप यहां पर आए इस्कॉन मंदिर में कैसे आए, मनुष्य जन्म पाना, बहुत सारे सूकर, बहुत सारे गाय, बहुत सारे कुत्ते, बहुत सारे पशु घूम रहे हैं रास्ते में, घूम रहे कि नहीं, तो उनमें मनुष्य जन्म पाना कितना डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। मनुष्य जन्म पाकर भी भारत में जन्म पाना कितना डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। और भारत में जन्म पाके भी भगवान कृष्ण के प्रति थोड़ा सा भी आसक्ति होना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति होना और उसके बाद में भक्ति भी करना, मतलब मंदिर आना, सेवा करना, भगवान का नाम लेना, मुश्किल है कि नहीं, मुश्किल है। उससे भी ज्यादा मुश्किल है पूरा ध्यान पूर्वक कथा सुनना, ध्यान पूर्वक कीर्तन करना, ऐसा नहीं कि बाहर घूमते रहना यहाँ ये सोचना कि कब प्रसाद मिलेगा, आप तो बहुत अति होगी। तो ध्यान पूर्वक कथा सुनना और कथा में रस होना वो उससे भी ज्यादा मुश्किल है।
और उससे भी ज्यादा मुश्किल है उस कथा को ग्रहण करना और अपने हृदय में उतारना। सोचिए वो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो आप सब यहाँ पे आए हैं तो मतलब आप सब बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं, और वो भी नित्यानंद त्रयोदशी, नित्यानंद प्रभु के अभिषेक, ये नित्यानंद प्रभु क्या बहुत ज्यादा कृपा, तो इसलिए आप सबको अभिषेक मिल गया। लेकिन अभी गौर पूर्णिमा है 25 तारीख को, फूलों की होली खेलेंगे, तो उस समय जो प्रभु जी धोती कुर्ता और जो माता जी साड़ी पहन कर आएंगे, जो प्रभुपाद जी ने बताया, तो ही क्या मिलेगा उनको, अभिषेक का मौका मिलेगा। और कृष्ण बलराम में तो क्या होता है, प्रभु जी बोलते हैं कि जो ब्राह्मण दीक्षित तो उनको ही बोलो, नहीं तो बोले ही मत किसी पर। इसलिए कृष्ण बलराम को कृपा मिलना इतना आसान नहीं है, लेकिन नित्यानंद प्रभु का कृपा मिल जाता है, बस आपको हरिनाम लेना है सिंपली, और कुछ नहीं। तो फिर क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु ये सोच के हर किसी के पास जाते थे, क्या बोलते थे, बोले मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ भाई, तेरे पांव पड़ो, एक बार तो हरि बोलो, एक बार भगवान का नाम लो, एक बार, सिर्फ एक बार, तो वो हरि का नाम बोलते थे। और जो नहीं बोलता था उनके चरणों में गिर के रिक्वेस्ट करते थे, बोले आप एक बार बस भगवान का नाम लीजिए, आप मैं आपके चरणों में, मैं आप पूरा जीवन आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ, बस एक बार गौरचंद्र का नाम लीजिए और मैं आपका आजीवन दास बन जाऊं, एक बार बस गौरचंद्र बोलिए, एक बार तो कृष्ण बोलिए, एक बार बोलिए बस कृष्ण, मैं पूरा जीवन आपका सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तो काफी सारे लोग क्या होते थे, वो बोलते थे, बोले नहीं नहीं आप ऐसा मत करिए, आप जो है ब्राह्मण है, आप बहुत अच्छे कुल के हैं, आप क्यों हमारे चरणों में झुक रहे हैं। मैं बोलता हूँ ना क्या बोलना है, बोलो क्या बोलना है, बोले बोलो कृष्ण, बोले हाँ कृष्ण, भजो कृष्ण, हाँ कल से भजेंगे कृष्ण, आज से ही भजेंगे कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, हाँ ये लोग भगवत गीता पढ़ने में चालू हो गए, तो सब लोग मान जाते थे। तो उनको मनवाना भी क्या है बहुत आसान है। लेकिन एक बार जब वो जा रहे थे तो दो व्यक्ति दिखे, कौन, जगाई और बदाई। ये जगाई बदाई कौन थे, हर पिक्चर में विलन की जरूरत पड़ती है, तो जो जय विजय रावण और कुंभकर्ण बनकर आए थे, जो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बनकर आए थे, जो शिशुपाल और दंतवक्र बनकर आए थे, वही कलयुग में जगाई बदाई बनकर आए। तो कलयुग में वो कलयुग जैसा विलन थे, कलयुग जैसे विलन के लिए अस्त्र शस्त्र नहीं, कलयुग में क्या है, असुर मतलब क्या, असुर मतलब क्या, जो भगवान से द्वेष करता है, जो भगवान का पालन नहीं करता, नाम नहीं करता, या जो गलत जो है कार्यों में लगा हुआ है। तो जगाई बदाई क्या करते थे, वो जितने भी मनु संहिता जितने भी शास्त्रों में दिया गया कि ये काम नहीं करना चाहिए, तो क्या करते थे, टिक लगा लगा के वही काम करते थे, गंदे कामों का एक लिस्ट बना लेते थे, अच्छा ये रेप करना है, ये यहाँ पे चोरी करनी है, इसके घर जलाना है, ये बच्चों को पानी में फेंकना है, इसके ऊपर पत्थर फेंकना है, ये लिस्ट बना ली और टास्क अपना पूरा कंप्लीट करते जाते थे। रोज उनके लिए होता क्या था, नदी में जब कोई स्नान करने आता था तो उठा के पत्थर उनके माथे में जोर से मारते थे, खून निकल आता था, किसी का घर जला देते मजे मजे में, दारू पीना ये टिक लगाया, मांस खाना ये टिक लगाया, पर स्त्री पर पुरुष का संग करना ये टिक लगाया, मतलब टिक लगा लगा के जितने भी पाप रहते वो सब करते थे, भयंकर टिक लगा के, मतलब ऐसा नहीं कि सही में टिक लगाते थे, मतलब कहने का मतलब ये कि वो पाप भर भर के करते थे, कोई जो था उनका कुछ था नहीं। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ने जब आसपास जांच पड़ताल करी तो उनको पता चला भैया ये दोनों तो क्या थे, ब्राह्मण परिवार से थे लेकिन अब ऐसे हो गए हैं, ये दोनों ब्राह्मण परिवार से थे लेकिन अब ऐसे हो गए, तो बोले अब क्या करें। तो नित्यानंद प्रभु बोले, हरिदास ठाकुर जी को बोले, आपस में दोनों में बात हो रही थी, तो हरिदास ठाकुर को बोले कि आपको 22 बाजारों में मारा था, तो जिन्होंने मारा था आप उनके प्रति दयालु थे कि नहीं, हाँ हरिदास ठाकुर को मारा था 22 बाजारों में पकड़ के, क्योंकि वो मुसलमान थे और हरि भगवान के नाम लेते थे, तो मुसलमानों ने बोला आप भगवान के नाम बंद करिए नहीं तो हम मारेंगे, तो बोले ठीक है मारो, मैं तो नाम बंद नहीं करूंगा। तो हरिदास नित्यानंद प्रभु कहे कि आपको जब मारा था 22 बाजारों में, तो जिन्होंने मारा था आप उनके प्रति भी क्या किए, करुणा भाव रखे, उनका भी उद्धार करना चाहे, तो वैसे ही ये जो है जगाई और बधाई इनका उद्धार मैं करना चाह रहा हूं, तो क्यों ना इनका उद्धार किया जाए, भगवान ने हमको भेजा है पतितों का उद्धार करने के लिए, जो ब्राह्मण है, जो अच्छे खासे भगवान के भक्त हैं, जिनके घर लड्डू गोपाल है, और जो भली भगवान का नाम नहीं लेते लेकिन थोड़ा थोड़ा भक्ति करते हैं, उनके पास जाने का क्या मतलब, उनके पास जाने का क्या मतलब, उनका उद्धार तो वैसे ही हो जाएगा, आज की तो कल हो जाएगा, खुद ही भक्ति को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन जो ऐसे जो शराब पीते हैं, जो बहुत ज्यादा टिक लगा लगा के पाप करते हैं, उनका उद्धार करने का पहले हमें जरूरत है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है, नित्यानंद प्रभु किसका उद्धार करेंगे पहले, हाँ
पतित पावन हेतु तुम्हार अवतार मौसम पतित प्रभु ना पाई मेरा। क्या बोलते हैं? बोले पतित पावन हेतु, पतित का उद्धार करने के लिए तो आपका ये हुआ है, अवतार आया है, और मेरे से ज्यादा पतित और कोई नहीं है। कैसे पहचाने कि हम पतित है कि हम पतित है कि नहीं? क्या सोचते हैं आप सब? भक्त है कि पतित है? कौन कौन बोलता है कि हम भक्त हैं? अच्छा, कौन कौन बोलता है कि हम पतित हैं? ऐसा नहीं सिर्फ डायलॉग बाजी के लिए हाथ खड़ा कर दिए बोले हम पतित हैं, बाकी को वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ डायलॉग बाजी के लिए बोल दिया कि प्रभु जी हम तो आपके दास हैं, हम तो मल के कीड़े हैं, हम तो सही में बहुत पतित हैं। डायलॉग बाजी नहीं, सही में पतित मानना। कैसे माने? कैसे वो विनम्र आएगी? अपने अंदर जो है उसको ध्यान पूर्वक देखना, नोटिस करना, अपने जो दोष हैं उनको, अपना जो सच्चाई हम जब उसको देखेंगे तो क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि हम किस लेवल के हैं। दूसरा, जब हमसे कोई आगे निकल जाता है तो उनसे ईर्ष्या हो जाती है। मंदिर में कोई हमारे अंडर में आता है लेकिन हमसे ऊपर निकल के ज्यादा ही उचकने लग जाता है तो उनसे उनसे बात करना बंद कर देते, उनसे हमें द्वेष हो जाता है। जब सेवा भगवान की बोलते तब बहाना मार के कल्की मारने की इच्छा होती है, भगवान के नाम लेते हुए नींद आती है। हाँ, नींद किसको आती है? जब भगवान प्रकट होते हैं तो कौन सोते हैं? जब कृष्ण जेल में प्रकट हुए थे तो कौन सो रहे थे? कृष्ण कंस के जितने भी वो दूत थे वो सब सो रहे थे। जब भगवान प्रकट होते हैं तब असुर के जितने भी दूत हैं वो कंस के अनुयायी सो जाते हैं। तो वैसे ही जब भगवान नाम रूप में प्रकट होते हैं तो हम सोते कि नहीं? तो हम कौन हुए? कंस के अनुयायी हुए। तो वो बस जानना कि हम किस लेवल का हमारा चेतना, किस लेवल के हम हैं, किस लेवल की हमारी भक्ति है। भक्ति तो सो गॉल्ड भक्ति है, बस दिखावा कर रहे भक्ति करने का। जब हम ये जानेंगे तो वाकई में, जब हम ये जानेंगे तो वाकई में क्या होगा, नित्यानंद प्रभु बोलेंगे हाँ ये अपने आप को पतित मानना है, इसका उद्धार मेरे को पहले करना पड़ेगा, बाकी सब छोड़ के पहले इसका उद्धार करना पड़ेगा। लेकिन हम मानेंगे अरे मैं तो भैया, अरे मैं 16 माला करता हूँ, मैं 32, 64, 128 करता हूँ, इनको देखो, ये देखो, इनको शराब पी रहे, मांस खा रहे, ये देखो 16 माला भी नहीं कर पा रहे, मैं देखो कितना अच्छा भक्त हूँ, 4 नियम पालन कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, हर संडे स्कॉन जाता हूँ, ये तो देखो बीच बीच में गायब हो जाते हैं, प्रसाद के टाइम पे आते हैं। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को अच्छा भक्त मान रहे, अपने आप को पतित नहीं मान रहे। तो नित्यानंद प्रभु क्या कहेंगे? बोले जिनको आपने उंगली दिखाई उसको ज्यादा जरूरत है आपकी, मेरी दया की, तो सबसे पहले मैं उसके पास जाऊंगा। आप तो अच्छा भक्ति कर रहे, करी आपका उद्धार हो जाएगा, आपको कोई जरूरत नहीं है मेरी। लेकिन वो उसको बेचारी को जरूरत है, वो बेचारा 16 वाला नहीं कर पा रहा, तो उसका उद्धार पहले मैं करूंगा। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आपको पतित मानना पड़ेगा। पतित पावन हेतु तुम्हारा अवतार, तो नित्यानंद प्रभु पतितों का पावन है। तो वैसे ही जगाई बधाई, इतने सारे पाप करके भी वो एक्सेप्ट किए कि हाँ हम पाप कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि शराब पी के बोले अरे हमने कहा शराब करी, हम तो देखो कितने अच्छे ब्राह्मण फैमिली के, वो मान रहे थे कि हम ब्राह्मण के, ब्राह्मण धर्म से नीचे गिर चुके हैं और हम ये सब पाप करते हैं। तो इसलिए क्या किया नित्यानंद प्रभु ने, उनका उद्धार किया, और उद्धार करने के लिए वो उनके पास गए, बोले कि बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, कहो कृष्ण शिक्षा, प्लीज टेक कृष्णास नेम, भगवान का एक बार नाम लो, भजो गौरांग, कहो गौरांग, लो गौरांग नाम रे, एक बार गौरांग का नाम लो, कृष्ण का नाम लो। तो वो क्या किए, जैसे ही उनको बोला तो हरिदास ठाकुर साथ में खड़े थे, और जगाई मदाई यूं पलटे उनकी तरफ, उनकी आंखें एकदम नशे में धुत थी, एकदम लाल और एकदम गुस्से से उन दोनों की तरफ देखे, और नित्यानंद प्रभु को एहसास हो गया कि ये कुछ ना कुछ होने वाला है। और जैसे ही वो गुस्से के ऊपर देखे और उनके पीछे पकड़ने के लिए भागे, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर उनसे भी तेज स्पीड से भागे, बहुत तेज स्पीड से भागे, और फिर कहीं वो छुप गए, तो वो ढूंढते ढूंढते वापस चले गए, कौन जगाई और मदाई। तो फिर अब हरिदास ठाकुर किनके पास गए शिकायत करने के लिए? नित्यानंद प्रभु का शिकायत किया किनसे? अद्वैत आचार्य से। अद्वैत आचार्य और हरिदास ठाकुर एक तरीके से फ्रेंड थे, एक ही गुरु के, जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे उनके गुरु भाई थे, कौन? अद्वैत आचार्य और हरिदास ठाकुर। तो उनके पास गए और कितना अच्छा बोलते, देखिए मैं बताता हूँ आपको। हरिदास ठाकुर बोलते कि भैया ये नित्यानंद प्रभु के साथ मुझे प्रचार करने के लिए भेजते क्यों हो? इनको तो, ये तो अवधूत श्रोमणी है, नित्यानंद प्रभु अवधूत थे, उनको हम फॉलो नहीं कर सकते।
कैसा भी कभी भी कुछ भी एक्टिविटीज करते थे, कुछ भी जिसको बोलते हैं उसको हम फॉलो ही नहीं कर सकते उनको। तो बोले मेरे को आप इनके साथ भेजते हो, मैं बूढ़ा इतना तेज भाग नहीं पाता और ये नित्यानंद प्रभु तो बहुत एकदम स्पीड में भागते हैं, इनके साथ मेरे को भेजते हो और कितना दिक्कतें आता है। मैं बताता हूँ, बहुत सुंदर उसका व्याख्यान है। हाँ, हरिदास कंप्लेंट्स, तो क्या बोलते हैं, द लॉर्ड सेंड विथ मी दिस रेस्टलेस पर्सन। ये जो रेस्टलेस पर्सन जिसको जरा सा भी रुकाव नहीं चाहिए, एकदम बिना आराम किए वो भागता रहता इधर से उधर, और उन्होंने क्या किया, मुझे अकेला छोड़ दिया वहां। वो जगह ही पता है मेरे पीछे भाग रहे थे, वो मेरे से तेजी से भाग गए, मेरे से कुछ साथ में लेके नहीं भागे। और फिर क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग द रेनी सीजन देयर आर मेनी क्रोकोडाइल्स इन गैंजेस एंड ही गोस स्विमिंग इन द वॉटर्स टू कैच देम। नित्यानंद प्रभु क्या करते थे, जब बारिश के समय गंगा जी में बहुत सारे मगरमच्छ थे, तो नित्यानंद प्रभु उस गंगा जी में कूद जाते थे उस मगरमच्छ को पकड़ने के लिए। और इन ग्रेट एंग्जाइटी आई कॉल हिम लाउडली फ्रॉम द रिवर बैंक बट ही कंटिन्यूसली फ्लोज अराउंड इन द वॉटर्स ऑफ गैंजेस। मैं एकदम घबरा जाता था और उसको जोर से बुलाता था, लेकिन वो कंटिन्यू वो मगरमच्छ को यूं करके पकड़ते थे। उनको तो कोई डर नहीं लगता था, मुझे बहुत ज्यादा उनका फिक्र होता था। इफ ही सीज सम बॉयज ही कम्स आउट ऑफ द वॉटर एंड चेसेस देम टू बीट देम। जैसे ही वो कोई लड़के आसपास गंगा जी के आसपास जाते हुए देखते थे, तुरंत गंगा जी से बाहर आते थे और उनको मारने का उनको डांटते थे कि मैं आपको मारूंगा, आप क्यों आए यहां, ऐसा करके उनको बोलते थे। और फिर उसके बाद क्या होता था, उनके माँ बाप आ जाते थे, बोले क्यों डांट रहे, तो नित्यानंद प्रभु तो वहां से गायब हो जाते थे। स्टिक लेकर उनके माँ बाप आते थे, भैया क्यों चिल्ला रहे। तो फिर क्या किया, हरिदास ठाकुर बोले आई फॉल एट देयर फीट एंड सेंड देम बैक। हरिदास ठाकुर उनके चरण पकड़ के बोलते थे, बोले ये अब गलती नहीं होगी, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, आप वापस जाओ। तो ऐसा हरिदास ठाकुर कंप्लेंट किए और फिर आगे बोलते हैं कि भैया ये जगह ही बधाई को मेरे को छोड़कर आए, और अब फिर वो बोल रहे हैं कि वापस जाना है। तो ये क्या है, हरिदास ठाकुर किनके पास गए, अद्वैत आचार्य के पास गए, और अद्वैत आचार्य ने नित्यानंद प्रभु से बातचीत करी। तो नित्यानंद प्रभु क्या बोले मेरी गलती नहीं है, वो चैतन्य महाप्रभु की गलती, वो ऐसे ऑर्डर दे रहे। बोले पतित को उद्धार करो, पतितों के पास जा, मेरी क्या गलती, मेरे को तो जैसा आदेश मिलेगा मैं वैसा करूंगा, आपको भी साथ में चलना ही पड़ेगा। तो बोले मतलब उनके बीच में एक ट्रांसीडेंटल हंसी मजाक, हमारे जैसा कंप्लेंट और चुगली नहीं हो रही थी, ट्रांसीडेंटल दिव्य स्तर पर वो हो रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ, एक बार फिर वो ढूंढ ही रहे थे जगह बनाई उनको, उन दोनों को। और फिर एक बार क्या हुआ, पीछे से नित्यानंद प्रभु सोचे, बोले इनका उद्धार मेरे हाथों होना बहुत मुश्किल है, इनका उद्धार कौन कर सकता है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु। नित्यानंद प्रभु क्या करते थे, लोगों के पैर पकड़ के बोलते थे कि भैया आप कृष्ण का नाम लीजिए, और वो कृष्ण का नाम लेता था, नित्यानंद प्रभु बहुत खुश हो जाते थे, उनको गले लगाते थे। और जैसे नित्यानंद प्रभु गले लगाते थे, उनको लगता था 440 वाट का झटका कृष्ण प्रेम का, और वो ऐसा कृष्ण नाम लेना चालू होते थे कि कभी रुकते ही नहीं थे नित्यानंद प्रभु का। हाँ, ये छू जो नित्यानंद प्रभु टच कर लिया तो उनको झटका तो लगी गई कृष्ण प्रेम का, लेकिन अब वो जगह बताई तो कैसे छुए उनको, कैसा उनका आलिंगन करेगा। तो बोले कि चैतन्य महाप्रभु को बुलाना पड़ेगा, और चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे क्यों आएंगे, उनको क्या मतलब है जगह बताई से, ये पतित से, वो तो बड़े बड़े लोगों का उद्धार करते, प्रकाशानंद सरस्वती सार्वभौम भट्टाचार्य, ये छोटे मोटे का तो हमको उन्होंने ड्यूटी दी रखा है। चैतन्य महाप्रभु इज फॉर क्लास एंड नित्यानंद प्रभु इज फॉर मास। चैतन्य महाप्रभु आपको तब अप्रोच करेंगे जब आप बहुत बड़े नास्तिक हो, लेकिन बहुत बड़े, बहुत ज्यादा बड़े आपका पोजीशन हो, ऐसा कुछ है क्या। सार्वभौम भट्टाचार्य संस्कृत के एकदम एक्सपर्ट, केशव काश्मीरी एकदम ऐसे प्रकांड पंडित, एक घंटे में गंगा जी पे 100 श्लोक रच डाले। सोचिए हम तो एक संस्कृत का श्लोक पढ़ नहीं पाते, उसको 1 घंटा लगा देते पढ़ने में, वो 1 घंटे में 100 श्लोक रच डाले बिना रटे। ऐसे जब कोई प्रकांड पंडित होते उनको चैतन्य महाप्रभु अप्रोच करके उनका उद्धार करते, लेकिन नित्यानंद प्रभु सबका उद्धार करते साथ में पान पकड़ के सबको, जो मास जो कॉमन पब्लिक है उसको क्या करते, उनका वो उद्धार करते। तो नित्यानंद प्रभु सोचे कि भैया ये जगाई मदाई का उद्धार करने प्रभु क्यों आएंगे, क्यों आएंगे चैतन्य महाप्रभु क्यों आएंगे, जब मेरे सर से या मेरे शरीर से 2-3 खून की बूंदें टपकेगी, जब उनको पता चलेगा कि मैं परेशानी में हूं, तो वो भागे भागे आएंगे।
ऐसे तो नहीं आएंगे। अब नित्यानंद प्रभु का शरीर तो कैसा है, सच्चिदानंद है, उनका उनके यहां से खून कहां निकल सकता, भगवान के यहां से खून कहां निकलता, सच्चिदानंदमय शरीर है उनका। लेकिन वो जो निकला आचार्य बताते वो क्या है, वो करुणा रूपी रस है, करुणा रूपी जूस। मार खाए प्रेम दिए ऐसो दयाल तो नहीं है। अरे मार खा के भी कोई भगवान का प्रेम दे सकता है, ऐसा दयालु कौन है बताइए। आप तो कोई मारेगा तो आप उसको प्रेम करेंगे, बोले अरे आपने मुझे मार दिया ठीक है और दो चार मार लीजिए लेकिन आप हमारे घर में प्रसाद पाने वाले, ऐसा बोलेंगे। मार क्या दिया, कुछ जरा सा बोल भी दिया, अरे प्रभु आपका सेवा बहुत घटिया है, आपका सेवा में मजा नहीं आता, तो ऐसा नाराज हो गए, ऐसा हमारा अहंकार एकदम सातवें आसमान में होता है। बोले किसी से भी बात कर लूं, इससे बात करना बंद नहीं करूंगा, मंदिर आना बंद कर देते। बोले अब हमारी जरूरत नहीं, अब वो भक्त जो है ना अच्छा सेवा कर रहा है प्रभु जी, हमारी जरूरत नहीं है, होता है कि नहीं ऐसा। तो आप सारे भक्तों को देखते हैं तो क्या होता है, ये क्या है, ये सब मार खाए प्रेम दिए दयाल तो नहीं, ऐसा मार खा के हम प्रेम नहीं दे सकते, लेकिन नित्यानंद प्रभु मार खा के भी प्रेम दिए। जब जगाई मदाई के पास वापस गए तो जगाई मदाई देखे उनको और वापस वही बोलने लगे, बोला कृष्ण भजो कृष्ण कहो कृष्ण शिक्षा। बोले इधर आ, कृष्ण का नाम लेता हूँ, कृष्ण का नाम आपको बुलवाना है ना, इधर आ तुमको दिखाता हूँ कैसे नाम लेते। वो मटका उठाया दारू, पहले मटके में दारू के मटके में दारू मिलता था, बॉटल में नहीं मिलता था, आजकल बॉटल फोड़ते सड़क पे, तो पहले मटका फोड़ते थे। तो वो मटका उठाया और वो नित्यानंद प्रभु के सर पे दे मारा और धीरे धीरे उनका यहाँ से खून निकलने लगा। हरिदास ठाकुर तुरंत गए, बोले फिर मुसीबत में डाल दिया मुझे। फिर वो गए गौरांग महाप्रभु के पास भागते हुए, बोले वो नित्यानंद प्रभु को ऐसा मारा खून निकल रहा है उसके सर से, आप चलिए जल्दी चलिए। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु आए क्या हुआ, वो जगाई मदाई को देख के बोले किसने मारा इन्होंने, अब जल्दी से अपना सुदर्शन चक्र को बोला और सुदर्शन चक्र आ भी गया। वो डर गए, बोले ये क्या हो गया, बाप रे ये कौन आ गया। बोले फिर राधा रानी के वेश में ही थे लेकिन फिर भी सुदर्शन चक्र आ गया। बोले अब अस्त्र नहीं उठाऊंगा ऐसे उद्धार करूंगा, लेकिन फिर भी उठा लिया तो क्या करें। फिर नित्यानंद प्रभु याद दिलाए उनको उनकी प्रतिज्ञा, बोले नहीं प्रभु नहीं, हमको कलयुग में उद्धार करना है अस्त्रों से नहीं, बिना अस्त्र के भी नहीं, पेशेंट को जिंदा रख के उनका उद्धार करना है, हरि नाम से उनका उद्धार करना है, हम कलयुग में आए हैं उनका उद्धार करने के लिए। अरे अगर आप इन जगह बधाई को मारोगे कलयुग में तो सभी जगह बधाई है, सभी तो दारू पी रहे, सभी तो मांस खा रहे, दारू नहीं भी पी रहे तो भी अहंकार की दारू में अहंकार के नशे में मन है, काम क्रोध लोभ मोह इसका नशा तो सर पे चढ़ा हुआ है, अहंकार का नशा सर पे चढ़ा हुआ है, इससे कैसे मुक्त करेंगे आप उसको, सबको ही मारना पड़ेगा फिर तो हम क्या करें, हरि नाम का उद्धार करने आए उनको। तो इतनी देर में क्या हुआ, बधाई बोले जो नित्यानंद प्रभु क्या बोले, बोले जब ये जगह मेरे को मार रहा था, इन्होंने मेरे को मारा तो बधाई क्या किए, वो मेरे प्रति करुणा दिखाए। बोले क्यों मार रहे हो सन्यासियों को, तुमको क्या लेना देना इनसे, इन ये ब्राह्मण बेचारे भगवान का लाभ लेने को बोले, नहीं लेना तो छोड़ दो, क्यों मार रहे हो आप साधु को, बाकी सबको तो परेशान कर दो, इनको भी करने लग गए। तो चैतन्य महाप्रभु ये देख के खुश हुए, अपना सुदर्शन चक्र उन्होंने गायब कर दिया। बोले ये इन्होंने आपको बचाया था, तो नित्यानंद प्रभु बोले हाँ ऐसा हुआ था। तो क्या किया उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने उनको गले लगाया, बोले वाह हरि बोल, और उनको कृष्ण प्रेम दे दिया। तो फिर मदाई बोले क्या, बोले बोले हम दोनों भाई आपस में दोनों काम करते तो साथ साथ में करते, दारू पिएंगे साथ में पिएंगे, प्रेम करेंगे साथ में करेंगे, किसी के सर पे पत्थर फोड़ेंगे साथ में फोड़ेंगे, किसी का घर जलाना हो साथ में जलाएंगे, किसी बच्चे को मारना हो साथ में ही मारेंगे, दारू पीना कुछ भी करना साथ में ही करेंगे, तो हमको कृष्ण प्रेम भी क्या साथ में चाहिए। तो महाप्रभु बोले ठीक है साथ में लो। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से क्या हुआ, उन दोनों को कृष्ण प्रेम मिला। और वो कितनी माला करते थे आपको पता है, एक दिन में सबसे बड़े ब्रह्मचारी कहलाए वो जगाई बधाई, जिन्होंने कितने ही रेप क्यों ना कर दिए हो, चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलने के बाद पूरे नादिया, जो नादिया है मायापुर में नवदीप नादिया, उसमें वो सबसे बड़े ब्रह्मचारी कहलाए, जो वैष्णव। उन्होंने क्या किया, गंगा जी के पास जो गंगा सागर है वहां पे गंगा जी है, तो गंगा जी के पास बहुत अच्छा उन्होंने आसन एक जो जिसको बोलते हैं तट, जिसको बोलते हैं जहां पे वैष्णव आके स्नान कर सके, वो बहुत अच्छा बनवा पैसों से। और क्या करते थे वैष्णव, जो बूढ़े वैष्णव थे उनका सामान, उनके कपड़े उठा के ले जाना, उनको घर पे छोड़ना, किसी को पानी की जरूरत मिलती लगती है उसको पानी पिलाना, इतना सब कुछ किया उन्होंने, किससे, सिर्फ नित्यानंद प्रभु की कृपा से। चैतन्य महाप्रभु तो उनको मार के खत्म कर देते, नित्यानंद प्रभु को जो है उनके प्रति अपराध कर दिया तो वो छोड़ेंगे कैसे। लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु कृपा से क्या हुए, वो उद्धार हो गया उनका। और एक दिन में 2 लाख नाम, 2 लाख नाम मतलब
कितना हुआ एक दिन में? 2 लाख मतलब कितना माला हो जाएगा? 16 माला में कितना होता है? 1728। कहां 1728, कहां 2 लाख? कितना हो गया? लगभग 120 माला है ना, लगभग 120 माला होगा अराउंड 2 लाख नाम। तो सोचिए 120 माला रोज करते कितनी? 120। और हमसे 16 नहीं हो रही यहाँ पे। तो किसकी कृपा है? नित्यानंद प्रभु की ही कृपा है कि उनका उद्धार करें। और ऐसा उद्धार किए कि कृष्ण प्रेम से रोते थे कृष्ण के विराम में, बोले कब मुझे कृष्ण मिलेंगे, कृष्ण 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 कृष्ण, पूरा दिन कृष्ण कृष्ण, एक मिनट भी उनका नाम रुकता नहीं था। सोचिए ऐसा कृपा कौन कर सकता है? नित्यानंद प्रभु ही कर सकते। तो चैतन्य महाप्रभु को हमें भजन उनका करना पड़ेगा, उनको ही हमें क्या करना पड़ेगा, उनका ही पूजा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु क्या है? कलयुग के राजा है। हर युग में एक विशेष अवतार भगवान क्या है, उस अवतार का पूजा करेंगे तो क्या होगा, हमारा उद्धार बहुत जल्दी हो पाएगा। कृष्ण तो है इस युग के, कृष्ण तो अल्टीमेटली सभी है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण से अभिन्न है, वो कलयुग में आए स्पेशली पतितों का उद्धार करने के लिए। तो हमें अगर अपना उद्धार करवाना है तो 2 तरीके हैं। सबसे पहला क्या, एक तो हमको ये मानना कि हम कितने पतित हैं, उसके लिए हमको अपना सच्चाई देखना कि हमसे ये नहीं, भक्ति के ये लेवल है और हम अभी यहाँ पे भी नहीं है। तो जब हम जानेंगे अपनी सच्चाई, हर किसी को अपना कमियां सच्चाई पता है, जब हम वो देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारा असलियत क्या है। और दूसरा, अपनी कमियों को लेके बैठ मत जाना और उसको ऐसा नहीं कि डिमोटिवेट हो जाना, अरे इतनी कमियां मेरे को तो नहीं लगता है कि कृष्ण प्रेम मिलेगा, छोड़ दो संभाला, भक्ति छोड़ दो, ऐसा नहीं। फिर पूरे रूप से भगवान का आश्रित होना और हाथ जोड़ के उनसे एकदम, जिसको बोलते हैं तीव्रता से, भगवान से मांगना कि अब आपके अलावा मेरा और कोई मौसम पतित प्रभु, मैं सबसे पतित हूं और आपके अलावा और कोई मेरे को उद्धार करने वाला दिख नहीं रहा, मेरे इतनी शक्ति नहीं है किसी में मेरा उद्धार कर सके, बताओ। लेकिन आप में वो शक्ति है कि आप उद्धार, आप आपके आपके भक्तों में शक्ति है, और किसी में शक्ति नहीं कि मेरा उद्धार कर सके, इतना पापी हूं मैं, लेकिन आप उद्धार कर पाएंगे। तो ऐसा भगवान से जब हम प्रार्थना करेंगे तो हम भी अच्छे भक्त बनने के थोड़ा बहुत जो है योग्यता पा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। नित्यानंद प्रभु की बहुत सारी लीलाएं हैं, लेकिन ये मुख्य थी क्योंकि काफी सारे लोगों को नहीं पता था, और भी काफी सारी लीलाएं हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी बार बार कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से मिलने जाते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनको भगा देते घर पे। फिर एक बार क्या हुआ, वो गए नित्यानंद प्रभु के पास और फिर उनको सेवा मिला चैतन्य महाप्रभु का। तो नित्यानंद प्रभु बोले कि आप चोर हो, रघुनाथ दास गोस्वामी को बोले, बोले क्यों? बोले चैतन्य महाप्रभु मेरा प्रॉपर्टी है और आप उनको अप्रोच किए बिना मेरे पास आए, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, उस चोरी का भुगतान करना पड़ेगा। तो बोले क्या करना है, तो बोले सबको फीस्ट कराइए। जैसे आज काफी सारे लोगों ने मिलकर फीस्ट किया है, स्पॉन्सर किया है सब भक्तों के लिए, ऐसा नहीं कोई सजा के कारण, ऐसा नहीं कोई सजा के कारण, लेकिन अपनी स्वइच्छा से वैष्णव सेवा के अनुसार। तो वो स्पॉन्सर किया और वो सब किया। तो वैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी को जो दही चीड़ा उत्सव आता है ना, पोहा और दही मायापुर में मिला के उसमें मीठा उसको बना के बहुत सारे जो है ड्राई फ्रूट्स डाल के उसको खाते हैं। तो दही चीड़ा उत्सव आता है, तो वो कहाँ से शुरुआत हुआ उसका, नित्यानंद प्रभु ने उनको बोला कि आप करिए। और ऐसा काफी सारी उनकी लीलाएं हैं। अपने जो सची माता जो नित्यानंद प्रभु की माता थी, वो एक दूसरे को साथ में खिलाती थी, किनको, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु को साथ में बैठ के खिलाती थी। और एक बार उनको सपने में ऐसा लगा कि अरे ये जो नित्यानंद और गौर है ये कहीं कृष्ण बलराम तो नहीं, ये कृष्ण बलराम ही है, ऐसा उनके सपने में आया। लेकिन फिर वो क्या है, उनका सेवा करना जारी रखे। और नित्यानंद प्रभु एकदम अवधूत थे, अगर आप समझेंगे कृष्ण प्रेम में कुछ भी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। कभी कभी वो नग्न अवस्था में, पूरे नग्न अवस्था में घूमते थे सब कुछ उतार के। तो चैतन्य महाप्रभु उनको पूरा मतलब अच्छे से वस्त्र पहनाते थे। और ऐसी काफी सारी लीलाएं हैं, हो सकता है जिसको हम समझ नहीं पाएंगे अभी, तो वो आप चैतन्य चरितामृत बहुत सुंदर ग्रंथ है, उसको उसमें पढ़ सकते हैं लाइन बाय लाइन आगे चल के। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।